नमस्कार। जानेंगे कि इस सप्ताह एग्री कमोडिटीज यानी कृषि फसलों का बाजार किस तरह देखने मिल सकता है। तो शुरुआत सोयाबीन से करते हैं। हमने देखा कि 3 महीनों की गिरावट के बाद इस महीने सोयाबीन ने तेजी दिखाई है और पिछले हफ्ते 6,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। हमने देखा था कि पिछले 1 से 1.5 महीने में 5,300 से 5,700 के बीच एक दायरा था और 5,300 के करीब काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद पिछले 2 हफ्तों में प्राइजेस जो हैं दोबारा उभर कर ट्रेड कर रही हैं, ऊपरी तरफ ट्रेड कर रही हैं और ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये आगे भी जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस 5,700 से 5,600 की जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गई है अब, और उसके नीचे फिलहाल प्राइजेस का जाना मुश्किल लग रहा है। तो अगर 6,000 के नीचे दाम मिलते हैं आने वाले कुछ समय में, यानी 5,900 से 5,850 के बीच अगर मिलती है प्राइस, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। अपसाइड में 6,250 और उसके बाद 6,400 के शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखता है। 1,170 से 1,180 के बीच हमने सपोर्ट लेते हुए देखा था, लेकिन एट द सेम टाइम 1,235 के करीब एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है और ऐसा लगता है अगले हफ्ते में 1,195 से 1,230 के दायरे में एक ट्रेड होगा। तो इस दायरे के ऊपरी स्तरों के करीब बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 1,200 के अगर नीचे मिलती है प्राइजेस तो वहाँ से खरीदारी भी की जा सकती है। सीपीओ में वहीं हमने देखा कि 1,150 के करीब की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है और जब इम्पोर्ट ड्यूटी की कटौती की बात की गई थी तब हमने 1,080 तक भी दाम को फिसलते हुए देखा था। वहाँ से लेकिन प्राइस में अच्छी खासी एक तेज़ी या बढ़त देखने मिली है। ऐसा लगता है कि लॉन्गर टर्म यानी 1 से 1.5 महीने का नज़रिया लें तो 1,210 से 1,220 तक भी दाम जा सकते हैं। उसके चलते अगले हफ्ते में ऐसा लगता है कि साइडवेज टू हायर कारोबार होगा, यानी जो भी डिप देखने मिलेगी 1,135 से 1,140 के बीच, हो सकता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो और अपसाइड में 1,170 तक के एक इमीडिएट टारगेट को लेकर चला जा सकता है। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स की तरफ रुख करें तो हमने जीरे में 16,600 के करीब के लेवल देखे हैं और ऐसा लगता है कि 16,250 के ऊपर अभी भी जो ट्रेंड है वो बाय साइड है। हालांकि अगले हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिनों में हो सकता है 16,350 से 16,400 के बीच एक करेक्शन देखने मिले, लेकिन अगर मैं 2 हफ्ते की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 17,000 के ऊपर के लेवल हमें देखने मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं धनिया में भी हमने देखा कि 8,800 के करीब जो प्राइजेस हैं वो एक बार टेस्ट हो चुका है और उसके बाद एक करेक्शन भी दी है बाजार ने, लेकिन ऑन द होल 8,500 के ऊपर जो जो ट्रेंड है वो फॉर्म बना हुआ है और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो बड़ा लेवल होगा टारगेट का वो 9,100 का होगा, जो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हमें आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने लगातार एक करेक्शन आते हुए देखा और दूसरे हफ्ते भी नरमी के साथ बाजार ने ट्रेड दिया है। तो जो पिछले हफ्ते में हमने बात की थी कि 6,300 से 6,250 तक के दाम इनिशियली देखने मिलेंगे, वही हमने बाजार को टेस्ट होते हुए देखा और 6,250 के टेस्ट के बाद में 6,370 से 80 के आसपास की क्लोजिंग दी है। वहीं ग्वार गम ने भी 12,000 के करीब की क्लोजिंग दी है, जबकि लोज जो थे वो 11,600 के करीब थे। तो ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते की शुरुआती दौर में दोबारा एक बार 6,250 के दाम ग्वार सीट छू सकती है, तो इनिशियली एक सेल का दौर आ सकता है। वहीं ग्वार गम भी हो सकता है कि 11,600 के लेवल को दोबारा टेस्ट करे, तो 12,200 के जब तक नीचे है तब तक एक बार एक मुनाफा वसूली और गहरा सकती है, लेकिन 6,250 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है। वहीं 11,500 से 600 के बीच ग्वार गम में एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा बाजार जो है वो तेज़ी का रुख पकड़ सकता है। अपसाइड में 12,200 के ऊपर ग्वार गम में 12,800 और ग्वार सीड में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 6,500 है, उसके ऊपर जो है 6,650 तक के लेवल में आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि मेजर एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले हफ्ते में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।